नमस्कार दोस्तों, जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है उसी तरह से हमारी ज़िंदगी बहुत सी आसान हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा नुकसान बैंकिंग सेक्टर को हुआ है। बहुत सारे दोस्तों के साथ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं। और दोस्तों, फ्रॉड से बचने के लिए और किस किस तरह से फ्रॉड हो सकते हैं, हम इस वीडियो में आपके साथ इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल संजू इन्फॉर्मर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देश भर में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे बताया गया हेल्पलाइन नंबर आपके बहुत काम आएगा। डिजिटलाइजेशन के दौरान जहां एक तरफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चलन तेज़ी से बढ़ा है, तो दूसरी तरफ बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में भी इजाफा देखा गया है। जालसाज कई तरीकों के सहारे से लोगों के अकाउंट खाली कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको यहां एक हेल्पलाइन नंबर की जानकारी देंगे, जिस पर कॉल करके आप ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन राज्यों के लोग कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड। आपको बता दें कि इस हेल्पलाइन नंबर से SBI से लेकर ICICI बैंक तक तमाम प्राइवेट बैंक जुड़े हैं। इसके अलावा नंबर को मोबीक्विक, फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ई वॉलेट प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इस वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत। यदि हेल्पलाइन नंबर पर कॉल न लगे तो आप cybercrime.government.in वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय इन बातों का ध्यान रखें। ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद कभी भी अपने कार्ड की जानकारी प्लेटफॉर्म पर सेव न करें, इससे आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ऐसे में हमेशा ध्यान रखें कि पेमेंट करने के बाद अपने कार्ड की जानकारी डिलीट कर दें। ऑनलाइन पेमेंट या ट्रांजैक्शन करने के लिए पब्लिक वाईफाई और साइबर कैफे का इस्तेमाल न करें, ऐसा करने से आप ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। जब भी ऑनलाइन पेमेंट करें तो प्राइवेट वाईफाई या अपने मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करें, इससे बैंक में जमा आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। कंटेंट अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और साइड में देखो बेल आइकन भी है, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।